समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। सी वेंकटेश्वरुलु, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पहाड़ शरीफ पुलिस स्टेशन के SHO को एक मुसद्दिका इत्तला मिली कि एक शख्स के पास गैर कानूनी मंशियात है और वो उसे ज़रूरतमंद ग्राहकों को बेचने की कोशिश कर रहा। और अनिधि होटल श्री सैलम नेशनल हाईवे वादी मुस्तफ़ा बालापुर मंडल के करीब दस्तियाब है। SHO पहाड़ी शरीफ ने हकायक से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वनस्थलीपुरम डिवीजन रचाकुंडा को तहरीरी तौर पर 2 सरकारी सेल्स पंच गवाहों को भेजने के लिए तहसीलदार बालापुर मंडल रेवेन्यू ऑफिस को दरख्वास्त भेजी। ACP वनस्थलीपुरम डिवीजनल रचाकुंडा से इजाजत हासिल करने के बाद M काशी विश्वनाथ डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने अपने अमले के साथ वहां पर श्री सिलेवरी अंजैया बालापुर पुलिस स्टेशन के प्रभाकर और पंचों के साथ निधि होटल श्री सैलम नेशनल हाईवे वादी मुस्तफ़ा बालापुर मंडल रंगारेड्डी जिले के करीब पहुंचकर निधि होटल के करीब एक शख्स को मुश्तबा हालत में पाया। उसने फौरी तौर पर अमले के साथ मिलकर मस्कुरा शख्स को पकड़कर उसकी शनाख्त के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने अपनी शनाख्त मोहम्मद रशीद खान वल्द हबीब खान उम्र 57 साल ऑटो ड्राइवर साकिना न्यू बाबा नगर रूबरू जलपली गेट बालापुर मंडल रंगारेड्डी जिले के तौर पर बताई। पूछताछ पर उसने ममनुआ नशावर मादा मंशियात यानी गांजे के गैर कानूनी कब्जे और फरोख्त के अपने जुर्म का एतराफ किया और ये भी इंकशाफ किया कि वो ग्राहकों का इंतजार कर रहा। तब DI पहाड़ी शरीफ ने उसे बताया कि नारकोटिक्स मंशियात का गैर कानूनी रखना और फरोख्त करना NDPS एक्ट के तहत एक जुर्म है और उसने उन पर नोटिस जारी किया और उसे समझाया कि वो गजेटेड ऑफिसर या करीबी मजिस्ट्रेट के सामने अपने अहलकारों की तलाश के लिए रजामंदी दे। इस पर उसने गजेटेड ऑफिसर के सामने तलाशी लेने पर रजामंदी जाहिर की। उसने फौरी तौर पर एक दरख्वास्त भेज दी गजेटेड ऑफिसर तहसीलदार बालापुर मंडल को निधि होटल श्री सैलम नेशनल हाईवे वादी मुस्तफ़ा के करीब जाने के लिए। गजेटेड ऑफिसर श्री के VGV NSS सुब्रमण्यम की आमद के बाद नायब तहसीलदार बालापुर और रेवेन्यू हुकाम के पंचों ने मोहम्मद रशीद खान की तलाशी ली और एक बड़े थैले में डालकर गांजे के 48 पैकेट बरामद कर लिए और उसके खिलाफ एक केस भी दर्ज कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि 2 जून को रियासत के यौम तासीस के सिलसिले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव बागयामा पब्लिक गार्डन नामपली में कौमी परचम लहराने वाले हैं। वजीर आला KCR गन पार्क पर शहदा की यादगार पर तेलंगाना की शहदा को खराज अकीदत भी पेश करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने एक इजलास में महकमे पुलिस को हिदायत दी कि वो 27 मई से 2 जून तक मुनासिब सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम करे। महकमे इमारत व शौरा से ख्वाहिश की गई है कि वो बैरिगेड्स, सिक्योरिटी लाइटें और सन शेड्स के मुमकिन तौर पर इंतजाम करें। इसी तरह महकमे इमारत व शौरा को हिदायत दी गई है कि वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम और LED स्क्रीन को तकरीब के मुकाम पर नस्ब करे। GHMC को हिदायत दी गई है कि सफाई जमीन को मुस्तह करने, पानी सैनिटरी और हिफान सेहत के हालात की बेहतरी का नज़म करें, पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने, बिला वक्फे बिजली सप्लाई की सहूलत और ORS पैकेट्स का भी इंतजाम करने का फैसला किया गया। हैदराबाद में खूनी रिश्ते को तार तार करने का इंतहाई घिनौना वाकया पेश आया जिसमें एक 19 साला भाई ने अपनी ही 13 साला सगी बहन को हामिला बना दिया। इस मामले में लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए बच्चों के जेल भेज दिया है। तफसीलात के मुताबिक केरला से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान गुज़िश्ता चंद सालों से साइबराबाद पुलिस हदूद में आने वाले बच्चूपल्ली में मुकीम है। उन्हें एक 19 साला लड़का जो इंटरमीडिएट का तालिब इल्म है जबकि 13 साला लड़की नवी जमात की तालिबा बताई गई है। माँ और बाप दोनों IT कंपनी में मुलाजिमत करते हैं। चंद दिनों से लड़की की तबीयत खराब थी जिस पर उसकी माँ ने उसे एक खानगी हॉस्पिटल से रुजू किया जहाँ डॉक्टरों ने लड़की को 18 हफ्तों की हामिला करार दिया। डॉक्टरों की इस इत्तला पर खातून चौंक गई और अपने शौहर को इसकी इत्तला दी। हॉस्पिटल इंतजामिया ने भी नाबालिग लड़की के हामिला होने की इत्तला पुलिस को दे दी जिसके बाद लड़की ने भाई के करतूतों से माँ बाप को वाकिफ करवाया। पुलिस ने इस सिलसिले में लड़के को गिरफ्तार करते हुए बच्चों के जेल भेज दिया क्योंकि लड़का भी नाबालिग बताया गया।
पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और जीरो साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो कि बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियो मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों से मुलाकात और समाजी तकरीबात में शिरकत के लिए हिंदुस्तान का एक हफ्ता तवील दौरा कर रहे। अपने दौरे में KCR के नाम से मशहूर के चंद्रशेखर राव मीडिया की दुनिया के मारूफ सहाफियों के अलावा सियासी और मौशी माहरीन से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर सिपाहियों के अहल खाना से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें माली इमदाद फराहम कराएंगे। इसके साथ वो मुल्क गिर किसान तहरीक में मारे गए किसानों के सोगवार खानदानों से भी मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपने हकूक के लिए मरकजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी थी। इसके साथ वो मुल्क के नामुर माशी माहरीन से मुलाकात करेंगे और मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वो सहाफियों से भी बातचीत करेंगे। वजीर आला ने 22 मई को चंडीगढ़ का दौरा किया है और ताकि मुल्क गिर किसानों के एहतजाज में मारे गए 600 किसानों के खानदानों को तसली दे सके। इसके अलावा वो हर खानदान को 3 लाख रुपए का चेक तकसीम करेंगे जैसा कि हुकूमत ने पहले ऐलान किया था। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। बिहार में मुख्तलिफ अजला में बारिश और ज़ाला बारी से फसलों, फलों और सब्जियों की काश्त को शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकूमत ने नुकसान का तखमीना लगाने का हुक्म जारी कर दिया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने फसलों और मकानात के नुकसान का जायजा लेने के बाद अहले खाना को इमदाद फराहम करने की भी हिदायत दी। भागलपुर के अफसर ज़राअत के खजा ने बताया कि आम की फसल को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस बार पेड़ों में बोर भी कम आए हैं और तूफान के बाद बड़ी तादाद में फल गिरने की इतलात हैं जिसकी वजह से किसानों को नुकसान का खदशा है। उन्होंने बताया कि मकई की फसल पक चुकी है, अगर मकई का पौधा खेतों में गिर गया हो तब भी आसानी से तोड़ाई की जा सकती है। मकई के पौधे बाज जगहों पर छोटे होते हैं, छोटे पौधों का तूफान में गिरने का इम्कान कम होता है। इसके बावजूद ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को फसल के नुकसान का जायजा लेने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। कटिहार मुजफ्फरपुर में भी तूफान और बारिश से केले, मकई, लीची और आम की फसलों को नुकसान पहुंचा। इस दौरान कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। किसानों का कहना है कि लीची और आम के दरख्तों में निस्फ फल गिर चुके हैं। समस्तीपुर में भी किसानों को नुकसान हुआ है। सीतामढ़ी, चंपारण, समस्तीपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा वगैरह अजला के किसानों ने महकमे ज़राअत को नुकसान की इत्तला दी है। कई इलाकों में खेत में लगाई गई फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। खेत में लगाए गए सब्जियों के पौधे जमीन में गिर गए हैं। महकमे ज़राअत का एक अहलकार का कहना है कि फसलों के नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत दी गई है। किसानों को कवायद के मुताबिक इमदाद फराहम की जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।